नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पाप कुंसा एकादशी। दोस्तों, पाप कुंसा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पाप कुंसा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवान का स्मरण तथा भजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। व्रत विधि। इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेष सैया पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव न हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ है तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को प्रति अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करें। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान श्री नारायण का विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तथा उनकी कथा सुनें। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पाप कुंसा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आए। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा के शरण में उनके आश्रम जा पहुँचा। महर्षि ने उसके अनन्य विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाले आश्विन शुक्ल एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह पाप कुंसा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के ही यमलोक वापस लौट गए। एक अन्य कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है और इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन शुक्ल एकादशी पाप कुंसा के नाम से जानी जाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पापों का निरोध करती है अर्थात उनसे रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ, काम, मोक्ष और तीनों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यह व्रत करता है उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से व्रत और पूजन करना चाहिए। व्रती को रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है और वह भोगों में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो इस पाप कुंसा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं जो संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कली काल में जो भक्त इस व्रत को पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। इस एकादशी व्रत का जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान करते हैं वे न केवल अपने पुण्य संचय करते हैं बल्कि उनके पुण्य से मातृगण और पितृगण भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके व्रती को द्वादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। पाप कुंसा एकादशी का महत्व। पाप कुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ और हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से
भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात यह एकादशी पापों को नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त भी है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गो, जल, अन्न, छत्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसे के व्रत के पुण्य के समान कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो पुण्य गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसीलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गादी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन करने योग्य क्रिया, एकादशी के दिन दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस श्लोक का कम से कम 108 बार जाप करें। जितना बार जाप कर सकते हैं करें। इस श्लोक से एक विष्णु सहस्त्र नाम का फल का पाठ प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं। इसके अलावा 10 माला गुरु मंत्र का जाप कर ले। अगर घर में झगड़े होते हो तो झगड़े शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो घर के झगड़े भी शांत होते हैं। एकादशी के दिन ये सावधानी रखें, एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है, लेकिन वृद्ध बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी न रख सकते हैं तो न रखें, लेकिन उनको चावल और साबूदाने का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने का पाप उसको लगता है, ऐसा डोंगरे जी महाराज के भागवत में डोंगरे जी महाराज ने कहा है। सिंह के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बाल कटवाने भी नहीं चाहिए। दोनों पक्षों के एकादशियों को आंवले का रस का प्रयोग कर स्नान करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। नेत्र ज्योति एवं एकाग्रता बढ़ाने के लिए दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, यानी कि बिना पलके झुकाए चंद्रमा को एकटक देखें। दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक चांद की चांदनी में विशेष हितकारी रस और हितकारी किरणें होती है, जिनको मानसिक उलझन रहती हो तथा आँखों के लिए और पित्त की तकलीफ वालों के लिए तो यह वरदान है। तो आप सब भी इसका लाभ अवश्य उठाएं। और दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।